मालिक की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जियो, देश विदेश में जो साध संगत बैठी है, यहाँ भी सेवादार हैं, आप सबका सत्संग में पधारने का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानू, खुश रामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज बहुत जगह पे साध संगत जुड़ी हुई है और सच्चे दाता रहबर शाह सतनाम जी का MSG अवतार महीना चल रहा है, तो आप सबको अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद। मालिक खुशियां दें, आपके दोनों जहां के काज सवारे यहां वहां मालिक ऐसी कृपा करें, आप वचन माने दृढ़ यकीन रखे हो जाए वारे न्यारे, मालिक रहमत करें। LCV लाइव लाइफ चेंज इन वचन एक सिस्टम शुरू किया है, डेरे की तरफ से की जो हम बातें करते हैं वचन बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है, एक जो उसने खुद बताया था कि कोई सुसाइड करने जा रहा था, घर से परेशान हो गया, बेहद तंग हो गया और वो सुसाइड करने वाला था। तो फोन की बेल बज गई और जैसे ही इसने बेल ऑन की तो उसमें आया, आत्मघाती महापापी, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, जिंदगी पड़ी है, आज हार गए तो कल जीत जाओगे, इतना कहकर बंद हो गया। पता है वह उसी टाइम टर्न हुआ और उसकी जिंदगी बच गई, और हाँ वो तरक्की भी कर गया उस काम में जिसमें फेल हो रहा था। आप खुश हो जाते हो और क्या चाहिए संतों को, उनकी औलाद अगर खुश है, हमें तो आपकी खुशी चाहिए बस, कैसे भी आप खुश हो जाते हो। न्यूजीलैंड में हमारा बेटा बैठा हुआ है, एक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि DNA में जो डैमेज होता है उसकी अगर अच्छे से मरम्मत नहीं हो पाती तो उससे कैंसर जैसे भयानक रोग हो जाते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने DNA डैमेज का एटलिस्ट DDA बनाया है, जिसमें 10 प्रकार के DNA के डैमेज और 100 उपचारों का बताया गया है। इलमचंद इंसान को पुरस्कार, 92 साल का इलमचंद इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप पुडुचेरी में 46 वर्षीय खिलाड़ियों में वे गोल्ड मेडल जीत गया है। माननीय मुख्यमंत्री रंगास्वामी जी ने चैंपियन ऑफ चैंपियन घोषित कर ट्रॉफी दी है। नेशनल लेवल पर 15 गोल्ड व इंटरनेशनल लेवल 18 गोल्ड मेडल जितवा के विश्व रिकॉर्ड बनवाया है। आपने कमाल कर दिया, वचन माने, सुमिरन और हमने कहा योगा किया, 2010 से लगातार जीत रहे हैं गोल्ड मेडल और 22 किलोमीटर की रेस भी करते हैं, उसमें भी जीत के आते हैं, 70 साल वालों को हराकर आए हैं। हमारा तो बच्चा है, छोटा सा, एक कोच से सीखा हुआ, क्यों भाई, ये है ना छोटा बच्चा हमारा जो कोच से अपने आज मिला है, इतने मेडल ला रहा है बेटा, 130 इंटरनेशनल मेडल है, वर्ल्ड लेवल के मेडल है, देखो आप, इनको ट्रेनिंग दी, उन्होंने मान ली और इतने मेडल जीते। स्पोर्ट्स टिप्स, जो बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स की कोच है, सो इन सब को ट्रेनिंग हम बैठ के यूं कुर्सी पर बैठ कर देते थे, वो बताते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं, और देखो आज फिर बच्चियां नेशनल में जा रही हैं। तो नाम रोशन अपने माँ बाप का तो करना ही करना है, लेकिन इस पापा कोच का भी जरूर करना है। अच्छा नंबर बनाना, अच्छा बनना, पूरा कॉन्फिडेंस लेकर अच्छी खुराक खाया करो, दो ही बात बनेगी, ठीक है, हैंडबॉल के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी फिट लग रही है क्योंकि उसमें भागना बहुत ज्यादा पड़ता है, खुराक देनी पड़ती है, बहुत कुछ है, एंगल्ड मारा करो, कभी भी बॉल मारते हो एंगल्ड मारा करो, जंप लेके मारते हो अच्छी बात है, लेकिन जब तक एंगल सही नहीं होगा गोलकीपर जाने नहीं देगा, एंगल बॉल मारो वो खड़ा ही रह जाए, सो जरूरी नहीं है कि उसके साइड ऊपर से, साइड से, नीचे से, दोनों टांगों के बीच में से और कहीं से भी आप मार सकते हो, तो आपने माइंड में, लेकिन आंखें वहां ना जाए, गोलकीपर के लिए ये होता है कि वो आंखों पे ध्यान देता है, अगर निगाह को कंट्रोल कर लोगे तो यकीन मानो गोल रोकना असंभव सा हो जाता है।
हेल्थ टिप्स: शाम को बादाम भिगो लिया करो 15 से 20 या 25 और सुबह उसका छिलका उतारो और उसको अगर गौ का मक्खन हो घर का हो तो पूछना ही क्या। वो आप मान लो जो 20 अगर बादाम है तो 20 ग्राम गौ का मक्खन हो और मिश्री धागे वाली, क्योंकि पहली होती है खांड, दूसरी होती है मिश्री, तीसरा होता है गुड़ शक्कर। तो वो जो मिश्री है वो अच्छी मानी जाती, वो उतनी ही जितनी से आपको मीठा हो 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम तक ले सकते हैं। तीनों को सुबह उठ के चटनी बनाते हैं, तो ऐसे चटनी बना के उसको खाइए, आधा घंटा पानी नहीं लेना। उसके बाद आधा पौना घंटा सुबह शाम ऐसा करेंगे तो याददाश्त जिसकी भी बड़ा ले ले छोटा ले, वो थोड़ा क्वांटिटी कम ज्यादा करनी है तो आप ले सकते हैं। और यकीन मानो लाखों ने आज तक रिजल्ट दिया है कि हाँ पिताजी इससे हम में इम्प्रूवमेंट आ गया, हम ठीक हो गए। मंद बुद्धि को बुद्धि दे देता है ये नुस्खा, तो आप करके देख लो। आज की मजलिस में पूछे गए सवाल, सवाल एक, दुनिया में चारों तरफ बुराई ही बुराई है, ऐसे में एक प्रेमी रूहानियत व दुनियादारी में कैसे तरक्की करेगी ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। जवाब, तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, तो आपनी नाबेड़ तेनु हौर नाल की। ये फिक्र तो हम जैसे फकीरों को लगा हुआ है बहुत ज्यादा कि दुनिया में बुराइयां बढ़ती जा रही है, कैसे उनको ठीक करें। आपका तो बाल बाका नहीं होगा, आप राम नाम जपते रहो, हाँ हाथों से कर्म कीजिए और जुबान और ख्यालों से राम का नाम लीजिए, यकीन मानिए मंजिल आपकी तरफ चलती आएगी। हथकार वलते ध्यान रब यार वल, कहने का मतलब काम धंधा करते रहो, नेक कर्म करते रहो, बुराई का संग सोहबत ना करो, अच्छा है बल्कि बुराई की सोहबत करके उसे अच्छाई में बदल दो, ये सर्वश्रेष्ठ है, अगर ऐसा कर पाओ तो आशीर्वाद। टेंशन नहीं लेना, सुमिरन करना है, सिमरन और वचन के पक्के रहना है तो मालिक कमी नहीं छोड़ता। सवाल दो, कई बार हम आप जी के स्वरूप के सामने बैठकर आप जी से अपने सवालों का जवाब मांगते हैं और आप जी सपने में दर्शन देते थे, परंतु सुबह उठकर वो याद नहीं रहता, ऐसे में क्या करें। जवाब एक, तो सुमिरन किया करो, चलते फिरते फिर अभ्यास हो जाता है, आत्मा उसकी आदि हो जाती है, और फिर जब आत्मा परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा आते हैं, हम तो एक आदमी से फकीर है, चौकीदार है बेटा, वो राम जी है जो इस रूप में आ जाते हैं, अरबों सजदे उनको कि वो उन्होंने इस रूप को चुन रखा है, आप लोगों को दर्शन देते हैं, तो आप सुमिरन करते रहोगे ना, चलते फिरते लेट के बैठ के काम धंधा करते, नेचुरली आपका दृढ़ यकीन भी आएगा और लिव जुड़ जाएगी। बाकी याददाश्त वैसे थोड़ी सी आपको कम लगती है। फिर शाम को बादाम भिगो लिया करो 15 से 20 या 25 और सुबह उसका छिलका उतारो और उसको अगर गौ का मक्खन हो घर का हो तो पूछना ही क्या। वो आप मान लो जो 20 अगर बादाम है तो 20 ग्राम गौ का मक्खन हो और मिश्री धागे वाली, क्योंकि पहली होती है खांड, दूसरी होती है मिश्री, तीसरा होता है गुड़ शक्कर। तो वो जो मिश्री है वो अच्छी मानी जाती, वो उतनी ही जितनी से आपको मीठा हो 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम तक ले सकते हैं। तीनों को सुबह उठ के चटनी बनाते हैं, तो ऐसे चटनी बना के उसको खाइए, आधा घंटा पानी नहीं लेना। उसके बाद आधा पौना घंटा सुबह शाम ऐसा करेंगे तो याददाश्त जिसकी भी बड़ा ले लें छोटा लें, वो थोड़ा क्वांटिटी कम ज्यादा करनी है तो आप ले सकते हैं। और यकीन मानो लाखों ने आज तक रिजल्ट दिया है कि हाँ पिताजी इससे हम में इम्प्रूवमेंट आ गया, हम ठीक हो गए। मंद बुद्धि को बुद्धि दे देता है ये नुस्खा, तो आप करके देख लो। सवाल तीन, हनुमान जी जैसे भक्त बनने के लिए हमें क्या करना होगा। हनुमान जी में इतनी शक्ति कैसी आई जी कि वो राम जी के इतने बड़े भक्त बन गए जी। आप जी जो प्रसाद देते हो
अगर कोई सत्संगी उसको प्रसाद की भावना से न खाकर एक सिंपल मिठाई समझकर खा लेता है तो क्या वो उस प्रेमी पर प्रसाद की तरह असर करेगा? क्या वो प्रेमी का विश्वास दोबारा से पक्का हो सकता है? जवाब: पहली बात आपने पूछा, हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बने? सुमिरन और सेवा ही ये बना सकती है बेटा। वो महान भक्त हुए, लेकिन आप उनकी नकल करना चाह रहे तो करना चाहिए। अच्छी चीज की नकल करना अच्छी बात है। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति कैसे आई? भक्ति से। भक्ति में शक्ति है, और बाकी वो तो देवता की औलाद थे कि आपको बोला आशीर्वाद से पैदा हुए, सो इसलिए उसमें वो शक्तियाँ बहुत ज्यादा थी और भक्ति के साथ वो उभरती चली गई उनके अंदर, उनको पता चलता गया। तो अभी आपने पूछा, अगर कोई सत्संगी प्रसाद को सत्संगी भावना से न खाकर सिंपल मिठाई समझकर खाता है तो कुनैन है, दवाई समझकर खा लो, सिंपल खा लो, असर तो उसने बेटा जी उस पॉइंट पे करना ही करना है। ये अलग बात है, श्रद्धा से अगर खाओगे तो असर 100% हो जाता है, और श्रद्धा से नहीं खाया ये थोड़ा की बेअसर हो जाएगा, उसका 30-40% तो असर फिर भी आ जाना है जी। तो ये और वो कह रहे हैं विश्वास दोबारा पक्का कैसे हो? बस हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, उनका विश्वास डोला, दुनिया की अगर बात सुनकर, दुनिया की चर्चा सुनकर, दुनिया तो इतनी झूठी होती है, अफवाहें बना दी जाती हैं। पर आप उनसे पूछिएगा कि पिताजी से आपने गुरु मंत्र लिया, क्या गुरुजी ने आपको कभी एक भी अपशब्द कहा? तो FIR दुनिया का क्या? दुनिया तो दुनिया होती है। उनसे पूछिए तो सही, हम भी पूछना चाहते हैं, जो बच्चे रूठ जाते हैं हमसे रूठ जाते हैं, आज कलयुग है, बुल्ले शाह से गुरु रूठ गया था, उसने कंजरी बनके नाचकर मना लिया था और आज कल उल्टा हुआ पड़ा है, छींक आ गई, अच्छा सत्संग में बैठा था मेरे को छींक आ गई, क्या बात है गुरुजी, ये कैसे आ गई बताओ, खाए तू ठंडा, कोई भी बात हो जाए, पढ़ाई में नंबर कम, यह क्या बात होती है, गुरुजी नंबर कम आ गए, पढ़े खुद नाप नाच न जाने, आंगन टेढ़ा। तो हम उनसे जरूर पूछना चाहते हैं, जो रूठ जाते हैं किस वजह से? सवाल 4, जब हमें आप जी के दर्शन लगभग हर चीज में होने लग जाएं, जैसे लंगर में या दीवार पर आप जी का अक्ष ऊपर आता है, इसका रूहानियत में क्या मतलब है? जवाब: इसका मतलब है, सही जा रहे हो पुत्र, परमात्मा तो कण कण में है ही, और आपको नजर कहीं कहीं आने लग गया है, तो लगे रहो और वचनों पर ठोक कर पहरा देना बेटा जी, बुराई ना करना, अच्छी तरक्की में हो रूहानियत में तो और तरक्की करो। सवाल 5, जब भी सिमरन करने बैठते हैं तो ध्यान पिछली की गई गलतियों में चला जाता है, उसको उस टाइम की ये गलत बोला था उस पर चला जाता है, इन सब से बचने के लिए क्या करें? जवाब: बेटा जी, जब आपको माफी दे दी उन चीजों की तो बस रात गई, बात गई, सब खत्म हो गया, वो तो यह मन जालिम है, बिल्कुल ध्यान न दिया करो, जब फकीर ने उस परम पिता परमात्मा से हमने क्षमा करवा दी तो फिर मन या काल महाकाल की क्या ताकत कि वो न माफ करे? आप तो प्रेमी सेवक हैं, आप जिम्मेदार हैं वहाँ के, तो आपका फर्ज बनता है कि आप आगे से बिल्कुल ध्यान पिछली की गई गलतियों में नहीं आने देना।